दोस्तों शाहरुख खान की फिल्म डंकी बॉक्स ऑफिस पर लगातार काफी जबरदस्त कमाई कर रही है। वो फिल्म को रिलीज हुए 5 हफ्तों से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं आज हम बात करेंगे फिल्म के आज के और अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और आपको बताएंगे आखिर डंकी फिल्म अभी तक बॉक्स ऑफिस पर कौन कौन सी बड़ी फिल्मों के कलेक्शन को पीछे छोड़ने में कामयाब हुई और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई ब्लॉकबस्टर हुई या हो चुकी है फ्लॉप। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को बताया डंकी फिल्म में आपको शाहरुख खान के साथ तापसी पन्नू और विकी कौशल लीड रोल में नजर आए थे। वहीं फिल्म को 120 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया लेकिन फिल्म की कहानी काफी जबरदस्त होने की वजह से और सोशल ड्रामा कैटेगरी की फिल्म होने की वजह से फिल्म को पब्लिक से लेकर क्रिटिक्स ने 4.5 स्टार यू दिया, जिस वजह से फिल्म को लेकर काफी तगड़ा वर्ड आप मोड देखने को मिला। वो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कम स्क्रीन पर रिलीज होने के बावजूद हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 29 करोड़ 20 लाख रुपए से भी ज्यादा की ओपनिंग की। वहीं फिल्म ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई करते हुए 58 करोड़ रुपए कमाए, जिस वजह से फिल्म के दूसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से लेकर पहले हफ्ते के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में काफी अच्छी पकड़ देखी गई। वो फिल्म ने अपने पहले हफ्ते हिंदी बॉक्स ऑफिस से लेकर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा कलेक्शन किया क्योंकि फिल्म अपने पहले हफ्ते हिंदी बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को रिकवर करने में कामयाब हुई थी। वहीं फिल्म का पहले हफ्ते का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अपने बजट से लगभग 2-3 गुना से ज्यादा रहते हुए 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने में कामयाब हुआ, जिस वजह से माना जा रहा था फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार आने वाले दिनों में काफी अच्छी कमाई करेगी और लगभग यह सही साबित हुआ क्योंकि फिल्म को अभी तक बॉक्स ऑफिस पर रिलीज आज 29 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं और रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म आज भी बॉक्स ऑफिस पर फ्राइडे को काफी अच्छी कमाई कर रही है और ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के मुताबिक माना जा रहा है डंकी फिल्म आज मॉर्निंग के ऑक्यूपेंसी के हिसाब से काफी कम स्क्रीन पर बचने के बावजूद लगभग 28 लाख रुपए के आसपास कमाई कर सकती है, जिस वजह से शाहरुख खान की फिल्म डंकी का अभी तक का टोटल हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 254 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन उम्मीद के मुताबिक काफी अच्छा रहेगा और फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करते हुए 470 करोड़ रुपए का जबरदस्त आंकड़ा पार कर देगी। वो फिल्म अपने बजट से लगभग 4 गुना से ज्यादा की कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद शाहरुख खान के हेटर्स फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप कह रहे। तो दोस्तों अगर आपने डंकी फिल्म देखी है तो डंकी फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी और कहानी वाइज आप डंकी फिल्म को हिट कहोगे सुपर कहोगे ब्लॉकबस्टर कहोगे या कहोगे फ्लॉप, इसी के साथ प्रभास और शाहरुख खान में से कौन से सुपर स्टार को कहोगे इंडिया का सबसे बड़ा सुपर स्टार, आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, एक्शन टेक को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, जिससे आपको शाहरुख खान की फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट मिलती रहेगी सबसे पहले ही।